नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। हिजबुल कमांडर बुरहान बानी की मौत के बाद कश्मीर पूरी तरह से सुलग उठा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक। जयदीप जी, बुरहान बानी हो, अफजल गुरु हो या याकूब मेमन हो, इन आतंकवादियों को इतना समर्थन क्यों मिलता है? यह निसंदेह बड़ा दुखद है वो दृश्य, जहां पर हम देखते हैं कि जो आतंक का पर्याय था, उस व्यक्ति के जनाजे को उठाते वक्त इतने सारे लोग उसको कंधा देने के लिए मिल जाते हैं। जिस देश में राष्ट्रद्रोह करने वाले के लिए एक कंधा भी मैसर नहीं होना चाहिए, उस देश में अगर आतंकवादी को इस तरह से शहीद बनाकर प्रस्तुत किया जाने की कोशिशें होती हैं तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये आज नहीं हुआ है। अभी हमें कश्मीर घाटी में जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो दरअसल 90 के दशक के उस आतंकवाद की याद दिला रहे हैं जब ये सब कश्मीर में शुरू हुआ था। इसी तरह वहाँ के कश्मीरी नौजवानों को पाकिस्तान ले जाकर ट्रेनिंग दी गई थी और उनके हाथों में बंदूकें पकड़ाई गई थी। इस बीच एक लंबा वक्फा गुजरा जब कश्मीर समस्या जो है अलग अलग रास्तों से होती हुई अब वहाँ पहुँची है। जब भारत पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कश्मीर के नौजवानों को सुलगाए रखकर इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। ये एक और बड़ी विडंबना है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो कश्मीर को लेकर लगातार लड़ती रही, चुनावी मुद्दा उसको बनाती रही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम वो आगे करती है, उसी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार वहां पर है, लेकिन उसके बावजूद भी घाटी का वो दौर समाप्त नहीं हो रहा जहां पर हमें भारत के विरोध में, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगते हुए दिखें या युवाओं के हाथ में बंदूकें दिखाई दें। कश्मीर के युवाओं के हाथों में एक बार फिर बंदूकें दिखाई देना बहुत खतरनाक संकेत है। इस संकेत को पढ़कर इस पर बहुत तेजी से पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। बहुत लंबा समय और मेहनत लगी है। कश्मीर में काम करने वाले जो लोग हैं, सैनिक हैं, कमांडर हैं, उन लोगों से पूछिए कि कितना वक्त लगा है आतंकवाद की तरफ पैर बढ़ाने वाले युवाओं को वापस लाने में। और अब ये दौर अगर वापस शुरू हो रहा है तो यहाँ से वो बहुत लंबा जा सकता है अगर उसे समय रहते रोका नहीं गया तो। याकूब मेमन की आपने बात की, याकूब मेमन मुंबई धमाकों का जो आरोपी था उसको सजा मिली कोर्ट से, बंबई में उसका जनाजा उठा, वहां भी हजारों लोगों की भीड़ थी। लेकिन यहाँ सिर्फ एक फर्क यह है, बंबई में तो होना ही नहीं चाहिए था, बंबई जो दहल उठी थी जिसने इतना बुरा वक्त देखा था उन धमाकों की वजह से। इन कश्मीर घाटी के हालात बाकी भारत के हिस्से में जिस तरह से आतंकवाद है उससे थोड़े जुदा है। जुदा इसलिए है कि कश्मीर घाटी में लगातार हिंसक प्रदर्शन होते रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को मार के भगाने का एक लंबा सिलसिला वहां चला है। कश्मीर घाटी ने आतंकवाद के लंबे लंबे दौर देखे हैं और वहां पर इस तरह से आतंकवादियों के इर्द गिर्द कहानियां बुनने, उनको हीरो बनाने का सिलसिला नया नहीं है। देखिए, एक वर्ग जब आतंकवादियों का समर्थन करता है, ऐसे में देश में सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा नहीं मिलेगा? निश्चित तौर पर, क्योंकि इसमें हमें दिखाई देता है कि जिस धर्म से व्यक्ति मारा गया है, जिस संप्रदाय का व्यक्ति मारा गया है, उसी के धर्म के, उसी के संप्रदाय के लोग उसके समर्थन में जुट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे संप्रदाय पर उंगलियां उठने लगती है, जो कि बेहद गलत है। दरअसल कश्मीर में जो युवा हैं, हमें समझना पड़ेगा कि ये जो बुरहान वाणी था इसने किया क्या था। इसने कश्मीर के वो नौजवान जिनके पास फिलहाल रोजगार नहीं है, जिनको लगातार कश्मीर की स्थिति को लेकर बरगलाया गया है, जिनको ये बताया जाता है कि भारत ने, उन भारत की सेना ने जबरदस्ती कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। सच तो ये है कि भारतीय सेना ने कश्मीर को अभी सुरक्षित कर रखा है और जो पाकिस्तान के हिस्से वाला कश्मीर है उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और जो इतिहास है 47 का और उसके बाद का वो सब जानते हैं। लेकिन जो युवा है वो इतिहास में नहीं जाते, वो विस्तार में नहीं जाते कि कौन सा क्षेत्र उनके लिए ज्यादा सुरक्षित है। पाकिस्तान के हिस्से वाला, कब्जे वाला जो कश्मीर है, वहां पर जो लोग जी रहे हैं, रह रहे हैं, वो कैसी नारकीय जिंदगी जी रहे हैं। पाकिस्तान को एक जमीन के टुकड़े से ज्यादा अपनी सरहद को फैलाने का मंसूबा बांधने वाला पाकिस्तान आखिर उस पर कब्जा कर भी लेगा, जो कि वैसे सब पर कब्जा कर भी लेगा तो वो क्या देगा आपको? वो नारकीय जीवन जो पाक अधिकृत कश्मीर में अभी भी हमें दिखाई देता है। लेकिन युवाओं को इस बात को समझाने वाला कोई नहीं है। 21 साल का ये नौजवान दरअसल अचानक इतना बड़ा आतंक का पोस्टर बॉय नहीं बना है। सोचने वाली बात यह है कि ये जो बुरहान वानी है, बुरहान मुजफ्फर वानी, 8वीं कक्षा में त्राल के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला वो लड़का जो टॉपर बना था, उसके पिता खुशी से फूले नहीं समाए थे और पूरे मोहल्ले में अपनी खुशी को बांटते फिरे थे। वो 8वीं कक्षा का टॉपर जो है बुरहान वानी, वो 10वीं कक्षा तक आते आते आतंकवाद की तरफ उसके पैर महज 16 साल की उम्र में कैसे मुड़ गए,
क्यों उसने 10वीं की पढ़ाई छोड़ दी, बोर्ड के इम्तिहान के ठीक पहले उसने घर छोड़ा और आतंकवाद का जो रुख किया, तो मौत के बाद ही उसका आतंकवाद की जो प्रतिप्रेम था वो समाप्त हुआ। क्रिकेट का शौक रखने वाला ये बुरहान वानी दरअसल युवाओं को ये बताता था कि किस तरीके से उसके साथ रहने में ही कश्मीर के नौजवानों की भलाई है, किस तरीके से भारत की सेना उनको प्रताड़ित कर रही है, और ये सब बताने में अगर वो कामयाब हुआ है तो वहां की सरकार, प्रशासन, सेना, ये सभी का फेलियर है। क्योंकि लड़ाई केवल बंदूक के दम पे नहीं लड़ी जा सकती, वहां एक मानसिक लड़ाई चल रही है। इस मानसिक लड़ाई को जीतने के लिए जिस तरह की नीति हमें चाहिए जमीन पर, हम उसमें नाकामयाब रहे हैं। जिस तरह से अफजल गुरु के मामले में हुआ, सहानुभूति मौजूद थी, इस सहानुभूति को बंदूक और गोली के दम पर खत्म नहीं किया जा सकता, ये बात मैं मानता हूं। इसके लिए जरूरी है कि लगातार बहस हो, मुवाइजे हो, विचार विमर्श हो, और कश्मीर में इस तरह के हालातों को जो बंद करके रखने की कोशिशें होती उनको खोल देना चाहिए। धारा 370 हमारी राह में रोड़ा है कि लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते, वहां बस नहीं सकते, लेकिन वहां आ जा तो सकते हैं। अभी हालात ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग आ जा सके। मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक बुरहान वानी वहां के नौजवानों को भड़काने में और उनको आतंकवाद की तरफ मोड़ने में कामयाब हो जाता है, वैसे कई सारे युवा सामाजिक संगठन मिलकर उन भटके हुए नौजवानों को वापस लाने का काम भी कर सकते हैं, बशर्ते कि उस तरह का माहौल वहां पर मुहैया कराया जाए। नरेंद्र मोदी अचानक पाकिस्तान पहुंचते हैं, नवाज शरीफ के घर भी जाते हैं, और वही नवाज शरीफ वानी की मौत पर कहते हैं कि उन्हें सदमा लगा है। ये निश्चित तौर पर उनका जो दोगला रवैया है, इससे उनकी जो वास्तविक सोच है, चाहे वो मजबूरी के चलते हो, वो उजागर होती है। हमें समझ में आता है कि जो आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी ताकतें हैं, फिरकापरस्त ताकतें हैं, अलगाववादी ताकतें हैं, वो उनकी सोच पर हावी हैं। जो उनका ये बयान आया है वो दुखद भी है, दुर्भाग्यपूर्ण ही है, और ये आज नहीं हुआ है। जब जब भारत ने दोस्ती के कदम बढ़ाए हैं, तब तब पाकिस्तान से हमें धोखा ही मिला है। चाहे वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा हो, जिसके तुरंत बाद करगिल का युद्ध हुआ, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया दोस्ती का पैगाम हो, जिसके तहत वो एक बहुत गुडविल जेस्चर, जिसको कहा जाता है, क्रिसमस के ठीक इर्द-गिर्द वो वहां पर पहुंचे, अचानक दौरा किया, उनसे मिलने गए, जन्मदिन की बधाइयां दी। लेकिन हमें इस सब बात से तब भी बहुत ज्यादा उम्मीद इसलिए नहीं थी कि हमने देखा कि पाकिस्तान का लगातार रवैया वही है। पठानकोट हमले का ही हम अगर मामला लें, तो पाकिस्तान ने वहां से यहां पर टीम के नाम पर ISI के लोग भेजे और उन्होंने उल्टे जांच की दिशा घुमा दी, और उसके बाद भारत का जो दल वहां पर जाना था वो नहीं गया। तो यह मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान को लेकर जो हमारी कूटनीति है, जो विदेश नीति है, वो सफल नहीं हो पा रही है। न पाकिस्तान को हम कूटनीतिक स्तर पर अपने साथ खड़ा कर पा रहे हैं, न वहां के अलगाववादी और आतंकवादी ताकतों को हम उस रास्ते पर ला पा रहे हैं जहां हम चाहते हैं। कश्मीर के इस वक्त के जो हालात हैं, उसमें पाकिस्तान की भूमिका जो भी हो, ज्यादा बड़ी भूमिका हमारी सरकार की, हमारी पुलिस की और हमारे सैन्य बलों की है। व्हाट्सएप पर वीडियो वायरल करके अगर एक बुरहान वानी वहां पर आतंकवाद के समर्थन में हवा तैयार कर सकता है, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बड़ी सूचना की ताकत, इससे बड़ा ज्यादा नेटवर्क हिंदुस्तान की फौज के पास, हिंदुस्तान के प्रशासन के पास, वहां पर जो PDP की और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार है उसके पास मौजूद है। केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है, जिसके जरिए वहां पर अच्छे विचार रखने वाले नौजवानों का एक ग्रुप तैयार किया जाए और वो ग्रुप सतत ऐसे भटकने वाले नौजवानों को सही रास्ते पर लाने का काम करे। हम बंदूक से तो अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर गोली से काम हो जाए तो गोली से बचने की जरूरत है। हमारे देश में भी अगर हम देखें तो पूरे समय सांप्रदायिकता को कोसने वाले लोग ऐसे समय में चुप्पी साध जाते हैं। यह आपने बहुत सही सवाल किया है और मुझे भी इससे बहुत बड़ा दुख है। हमारे यहाँ पर एक ही चश्मे से घटनाओं को देखने की जो आदत है वो बहुत दुखद है। हमने देखा कि जब दादरी होता है, जब हैदराबाद के विश्वविद्यालय में रोहित मेमुला की मौत होती है, फांसी लगा, ये सब दुखद घटनाएं हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ पर मालदा की घटना होती है पश्चिम बंगाल के, तो एक साथ बहुत सारे स्वर सुनाई देते हैं। ये तथाकथित बुद्धिजीवी जो है, ये भारत को एक अलग तरह का रंग देने की कोशिश करते हैं। ये बताते हैं कि भारत के हालात किस तरह बुरे हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक दंगे होना कोई नई बात नहीं है। ये 1947 की भी बात नहीं है, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, केवल तब की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। जब इस देश पर मुगलों का आक्रमण हुआ, तब यहां के राजाओं से जो लड़ाई चली आ रही थी, वो वैचारिक स्तर पर, तलवार के स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर चलती रही, और बहुत आगे जाकर फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना मंजूर किया। इस एक दूसरे के साथ रहने को मंजूर करने के बाद बीच में अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति आई, और उन्होंने जिस तरीके से धर्म के नाम पर दो मुल्कों का बंटवारा होने दिया,
उसके बाद से लेकर हिंदुस्तान में कई सारे दंगे हुए, लेकिन जब एक वैचारिक सोच के लोग, एक तरह के खाके में अपनी चीजों को रखने वाले लोग कुछ घटनाओं को एक साथ इकट्ठा करते हैं, छोटी छोटी चिंगारियों को जोड़कर बड़ी आग में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, तब अफसोस यह होता है कि उन्हें कश्मीर में जब हमारा कोई सैनिक मारा जाता है, कोई कमांडर शहीद होता है, कोई लेफ्टिनेंट शहीद होता है, तब इनकी आवाज इतनी मुखर क्यों नहीं होती। आज अगर बुरहान वानी की मौत पर वहां पर इस तरीके से लोग उसके जनाजे में शामिल हुए हैं, तब लोग क्यों नहीं आकर कहते कि इस तरह की सांप्रदायिकता, इस तरह का धार्मिक उन्माद गलत है, आप धर्म के नाम पर उस आतंकवादी को सहारा और समर्थन मत दीजिए जो भारत से अलग होने की बात करता है, अगर आप धर्म के नाम पर ऐसा कर रहे हैं तो आपकी पूरी कौम बदनाम होती है। ऐसी आवाजों को, ऐसी ताकतों को मजबूत होते हम ऐसे वक्त में देखना चाहते हैं, ताकि पूरी दुनिया में संदेश जाए कि अत्याचार अगर हिंदू के खिलाफ होगा तो नहीं सहन होगा, मुस्लिम के खिलाफ होगा तो नहीं सहन होगा, ईसाई के खिलाफ होगा तो नहीं सहन होगा। तो हम चाहते हैं कि भारत की जो एक सर्वे भवंतु सुखिनः वाली नीति है उसका वहद रूप में एक संदेश दुनिया के पास जाए, लेकिन होता यह है कि चुनिंदा घटनाओं को लेकर चंद बुद्धिजीवी अपने पुरस्कार लौटाते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं जहां पर राष्ट्र का सवाल खड़ा हो जाता है, राष्ट्रवाद पर कितनी लंबी बहस चली, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने और पत्रकारों ने पता नहीं कहां कहां के ऐतिहासिक जो प्रमाण है वो उठाकर कहा कि राष्ट्रवाद जो है गलत है, उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रवाद जो है वो तो मूर्खों की पनाहगाह है। मुझे बताइए कि राष्ट्र नहीं होगा तो आप जैसे मूर्ख कहां जाएंगे, और राष्ट्रवाद अगर मूर्खों की पनाहगाह है तो आप भी जाइए जनाजे में हाथ लगाइए बुरहान वानी के, जो भारत से अलगाव की बातें करता था। हिंदुस्तान का जो राष्ट्रवाद है वो दरअसल एक अधिनायकवाद के खिलाफ उपजा है, वो ब्रिटिश सत्ता का जो शोषण था उसके खिलाफ उपजा है। भारत के राष्ट्रवाद को जो लोग सही रूप में, सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाते, वो राष्ट्रवाद को लेकर और सहिष्णुता को लेकर बहस करते हैं, और जब ऐसे मौके आते हैं तो उनके मुंह में फिर क्यों दही जम जाता है। जिस तरीके से दादरी की घटना हुई थी उसका विरोध होना चाहिए था, मालदा की घटना हुई उसका विरोध होना चाहिए था, रोहित वेमुला की मौत का विरोध होना चाहिए, उसी तरह से अगर बुरहान वानी के जनाजे में इतने सारे लोग आते हैं तो उसका भी विरोध होना चाहिए। वहां बात जानी चाहिए मजबूती से कि हम इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन लोग बहुत अपने ही चश्मे से देखने से चीजों को आदी हैं और वो गलत है। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे कश्मीर में बुरहान वानी की मौत के बाद भड़की हिंसा की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।